सेल आई है, चाहे वो अमेजोन पे हो चाहे वो फ्लिपकार्ट पे हो, लेकिन यहाँ पर जो ऑफर है ये मुझे उतने तगड़े नहीं लग रहे जितने तगड़े पहले वाले थे। और अभी तो दशहरा वाली सेल है, अब आएगी दिवाली वाली सेल कुछ दिनों के अंदर। यदि आपको नया वाला फोन लेना है इस वीडियो में आखिरी तक टिके रहिए, बिल्कुल सीट से चिपके रहिए। और बस आप लोगों से एक चीज कहूंगा, वीडियो में आजकल लाइक कम आ रहे हैं यार, कम से कम 3000 प्लस लाइक इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं Xiaomi से। आपका बजट कम है, आपको जाना चाहिए Redmi के A1 की तरफ। बैंक ऑफर लगा के ये फोन वही आपको 5319 रुपए के आसपास का पड़ सकता है। और दोनों वेबसाइट में जो बैंक के ऑफर है वो भी अलग अलग है। यदि आपके पास कार्ड नहीं है अपने भाई बंधु से जुगाड़ कर लीजिएगा। ये बेसिक वाला फोन है लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है ये काफी शानदार है। बिल्कुल स्वच्छ UI है, Android Go एडिशन में बेस्ड है, Android 12 है। तो मेरे हिसाब से जिनको नॉर्मल सा फोन लेना है, जो अभी स्मार्टफोन में स्विच कर रहे हैं 4G वाले फोन की तरफ जाना चाहते हैं, आप इस वाले फोन की तरफ जा सकते हैं। अगला फोन है Redmi का Note 11, 10,000 रुपए के आसपास का आपको पड़ सकता है। देखिए एमुलेट वाला डिस्प्ले मिलता है, Snapdragon का 680 वाला प्रोसेसर है। यदि आपका बजट अलाउ करे तो यार आप इस वाले फोन की तरफ भी जा सकते हैं। अगला फोन है Redmi का K50i, 20,000 रुपए में जो आपको प्रोसेसर मिलता है, MediaTek का Dimensity 8100, ये सामने से टक्कर दे रहा है Snapdragon के 870 को। 144 हर्ट्ज का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, 5080 mAh की बैटरी मिल जाती है, 67 वॉट का जो चार्जर है वो भी आपको बॉक्स के अंदर मिल रहा है। और पीछे वाला जो कैमरा है इसे मैं डीसेंट कह सकता हूँ। Xiaomi का 11i भी आप बाय कर सकते हैं, वहाँ पर MediaTek का Dimensity 920 वाला प्रोसेसर है। अब जो अगला ब्रांड है वो इन्हीं का चाचा नाना फूफा आप कह सकते हैं, वो है Poco। Poco का X4 Pro जिस प्राइस ब्रैकेट में अब मिल रहा है, जिनको 5G वाला फोन लेना है आप इस वाले फोन की तरफ जा सकते हैं। Snapdragon का 695 वाला प्रोसेसर है, यहाँ पर कोई भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का विकल्प नहीं मिलता है, और साथ में YouTube में भी आप 4K वाले वीडियो प्ले नहीं कर सकते। ये जो प्रोसेसर है चाहे जिस भी फोन में मिला हो ये थोड़ी सी लिमिटेशन है, बट 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले, बहुत ही बड़ी वाली बैटरी, पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, यही सारी की सारी चीजें आपको यार Redmi के Note 11 Pro Plus में भी मिलती है। लेकिन वहां पर जो अंतर है ना वो है 108 मेगापिक्सल के कैमरे का। तो भाई जो फोन आपको सस्ते रेट में पड़े आप उस फोन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट फोन है Poco का F4। अभी जो पहले वाली सेल गई है ना वहां पर इस फोन का जो प्राइस था वो था 20,000 रुपए के आसपास आफ्टर बैंक डिस्काउंट, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है। लेकिन Snapdragon का 870 वाला प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले, डॉल्बी विजन भी आपको मिल रहा है, और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, डिजाइन है, ये भी बिंदास है। पीछे की तरफ जो कैमरा है ये भी आपको निराश नहीं करेगा। आपको Snapdragon का प्रोसेसर लेना है आप इस वाले फोन की तरफ जा सकते हैं। 11,000 रुपए में आपको Poco का M4 Pro मिल रहा है 4G वाला। यहाँ पर MediaTek का Helio G96 वाला प्रोसेसर है, AMOLED डिस्प्ले है, डिजाइन अच्छा वाला है, पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है। तो जी ये भी एक बेहतरीन विकल्प है। अगला जो ब्रांड है वो है Nothing Phone 1। देखिए प्रोसेसर अच्छा है Snapdragon का 778G प्लस, यही वाला जो प्रोसेसर है ये मोटो के S30 में भी मिल रहा है, 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले। लेकिन आउटडोर की जो विजिबिलिटी है ये थोड़ी सी और ज्यादा शानदार हो जाती तो और ज्यादा मजा आता, और कभी कभी सॉफ्टवेयर में बग्स आते रहते हैं। अगला ब्रांड है सैमसंग। आपको लेना है अंडर 15 के 5G वाला फोन सैमसंग की तरफ से, आप जाइए सैमसंग के गैलेक्सी F23 की तरफ। देखिए स्नैपड्रैगन का 750G वाला प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, ऊपर की तरफ यार वाटर ड्रॉप नॉच है, लेकिन अलग से आपको चार्जर बाय करना पड़ेगा। सैमसंग वाले अब बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं दे रहे हैं, और यार जिनका बजट ज्यादा है आप जा सकते हैं सैमसंग की गैलेक्सी S21 FE की तरफ। जो अगला ब्रांड है वो है आईफोन, आईफोन का 13 जिस प्राइस ब्रैकेट में पहले मिला है फ्लिपकार्ट की बिग मिलियन डे सेल में, उस वाले प्राइस में तो यार इस वाली सेल में नहीं है। जिनका बजट अलाउ करता है आप जा सकते हैं आईफोन के 13 की तरफ। जो अगला ब्रांड है वो है मोटो, मोटो का G32 आप बाय कर सकते हैं बैंक ऑफर के बाद, भाई 11,000 रुपए के आसपास का आपको पड़ेगा। और जो मोटो का S30 है जहां पर स्नैपड्रैगन का 778G प्लस वाला प्रोसेसर है, ये फोन आपको पड़ सकता है 25,000 रुपए के आसपास।
तो भैया प्रोसेसर अच्छा है, पी ओलेट वाला डिस्प्ले है, पीछे की तरफ जो डिजाइन है ये भी आपको प्यारा मिल जाता है। जो अगला ब्रांड है वो है रियलमी, रियलमी का GT नियो 3T कुछ दिन पहले अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है आफ्टर बैंक ऑफर एक्सचेंज एक्सचेंज लगा के। यार ये फोन भी आपको सही प्राइस में पड़ सकता है और इस फोन का भी डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। देखिए ऊपर आई बटन में नजर डालिए, मेरा वीडियो आपको दिख रहा होगा। और आपका बजट थोड़ा सा कम है, आप जा सकते हैं रियलमी के 9 प्रो प्लस की तरफ, लेकिन पिछली वाली सेल में ये फोन 18,000 रुपए के आसपास का पड़ा था और इस बार फोन का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। और बढ़े हुए प्राइस में यार मुझे नहीं लग रहा सही बात है, काश इस फोन का प्राइस 18-19 हजार रुपए होता, मैं आपको सजेस्ट करता आपको अच्छा कैमरे वाला फोन लेना है आप इस फोन में जा सकते हैं। जब भी यार यहाँ पर प्राइस ड्रॉप देखने को मिले आप इस वाले फोन को बाय कर लीजिएगा। जो अगला ब्रांड है वो है आईकू, आईकू का Z6 Lite अमेजोन में देखने को मिलता है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 4th Gen 1 वाला प्रोसेसर है। देखिए इस प्रोसेसर में जो भी आप गेम वेम खेलेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेरे हिसाब से सही प्राइस में 5G वाला फोन आप लेना चाहते हैं तो आपको बिंदास लगेगा आईकू का Z6 Lite। और कहीं आईकू का Z6 मिले वो भी काफी कमाल का विकल्प है, वहां पर स्नैपड्रैगन का 695 वाला प्रोसेसर है और साथ में पीछे की तरफ एक सेंसर ज्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर नहीं है। आईक्यू का नियो 6 भी आपको यार बिंदास लगेगा, यहाँ पर भी स्नैपड्रैगन का 870 वाला प्रोसेसर है अंडर 30K। ये प्रोसेसर बहुत सारे फोनों में मिल चुका है, जिनका बजट अलाउ करे आप जा सकते हैं आईक्यू के 9SE की तरफ। लेकिन सेल के दौरान यहाँ पर बहुत बड़ा वाला प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। आईक्यू का Z6 Pro 20,000 रुपए के आसपास का आपको पड़ जाता है। स्नैपड्रैगन का 778G वाला प्रोसेसर है, एमुलेट वाला डिस्प्ले है, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी बिंदास है। आपको आईक्यू का फोन लेना है, बहुत सारे यार इंडिया में आईक्यू की तरफ से फोन आ चुके हैं और जो सबसे आखिरी में ब्रांड है ये है OnePlus। OnePlus वालों की यार गर्मी अलग है, जो Note 2 है ना पुराना वाला उसका प्राइस ड्रॉप नहीं हो रहा है और आपको OnePlus का फोन बाय करना है मेरे हिसाब से आप जा सकते हैं OnePlus के Note 2T की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो कैमरा है वो मुझे उतना बिंदास नहीं लग रहा है जितना बिंदास पहले वाला था। जौन से फोन मुझे अच्छे लगे हैं सबके बारे में मैंने आपको खुल के बता दिया है, अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाते आते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।